सो आपका लेक्चर बेटा रिकॉर्डिंग मोड पे रहेगा यहाँ पे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ जी, सो हमारे पास जो अभी हम बात कर रहे थे बेटा, सिक्स जे सिंपल की बात हो रही है। तो सिक्स सबसे पहले हमने क्या किया था बेटा, सीजी कोएफिशिएंट के रिगार्डिंग बात की है। उसके बाद हमने बात करने स्टार्ट की थी रिगार्डिंग डब्ल्यू जे सिंबल्स। डब्ल्यू सिंबल्स के डब्ल्यू सिंबल्स हमारे पास कहाँ से आएंगे, जब हम थ्री एंगल मोमेंटा को कपल करने की बात करेंगे। तो सीजी कोएफिशिएंट्स वर यूजफुल फॉर द केस ऑफ टू एंगल मोमेंटा कपलिंग। अगर हम थ्री एंगल मोमेंटा को कपल करने की बात करते हैं तो जो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन आती है बिटवीन वेरियस कपलिंग स्कीम्स, वेदर इट इज वन टू और वेदर इट इज टू थ्री स्कीम, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास सिंबल आएंगे दे विल बी डब्ल्यू सिंबल, जिसको हम राका कोएफिशिएंट्स के नाम पे जानते हैं। तो पहले सीजी कोएफिशिएंट्स, उसके बाद राका कोएफिशिएंट्स, अब हमारे पास आएंगे सिक्स जे सिंबल्स। तो सिक्स जे सिंबल हमारे पास कैसे इवॉल्व होंगे, बिकॉज जो भी हमारे पास राका कोएफिशिएंट्स होते हैं या डब्ल्यू सिंबल्स होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए या फिर उसकी मैथमेटिकल प्रोसीजर या उसकी प्रॉपर्टीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सिक्स जे सिंबल इंट्रोड्यूस करते हैं। सो दिस मिट्री रिलेशंस satisfied by the Raka coefficients can be simplified using the six J symbols introduced by the Wigner, which were defined by these values. So, जो W symbols हैं, उनको हम six J symbol की form में लिखते हैं। Six J मतलब six angular momenta, J1, J2, J3, J4, J5 and J6 की form में लिखते हैं। तो जो इनका relation है, वो इसके according दे रखा है। J1, J2 and J4 J5, so J1, J2 आपका J1, 2 scheme को correspond कर सकता है, J4 and J5 आपका 2, 3 scheme को correspond कर सकता है और something like that। तो ये सारे का सारा फंडा आपका ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ बेटा J1, J2, J4, J5, उसके corresponding J3 and J6, J3 and J6 और कुछ नहीं है, ये आपके correspond कर रहे हैं E and F को, जहाँ पे आपके 1, 2, 3, 1, 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2, 3 scheme के corresponding result लिख सकते हैं। तो उनके जितने भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल होंगी बेटा। सो ये आपके पास जो रिजल्ट अवेलेबल है मोस्टली नाथन की बुक से है बेटा, देवानाथन की बुक से होंगे। तो सिक्स जे सिंबल्स आर इनवेरिएंट अंडर एनी परमुटेशन ऑफ द थ्री कॉलम्स, आप इनमें से कोई भी परमुटेशन ले लीजिए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास रिजल्ट आएंगे। सो किसी भी कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो आपका रिजल्ट हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे आपने क्या क्या किया हुआ है बेटा, आपने यहाँ पे टू कॉलम्स को इंटरचेंज किया है, पहले सेकंड कॉलम को फर्स्ट के साथ रिप्लेस किया है, उसके बाद थर्ड को फर्स्ट वाले के साथ रिप्लेस कर दिया, तो रिजल्ट आपका सेम ही रहेगा। ठीक है जी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला रिजल्ट भी आएगा। उसके बाद अगर आप रोज को भी इंटरचेंज करते हैं तो तभी आपके पास कोई चक्कर नहीं रहेगा। दीज आर ऑल्सो इनवेरिएंट अंडर इंटरचेंज ऑफ द अपर एंड लोअर आर्गुमेंट्स इन ईच ऑफ द टू कॉलम्स। सो दो कॉलम्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास जो आर्गुमेंट है उनके रिगार्डिंग में ये वाली सिमेट्री रिटेन करेंगे। उसके बाद इसके सिक्स जे सिंबल को प्रॉपरली डिफाइन करना हो तो उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी रिग्रेस डेफिनेशन दे रखी है बेटा। सिक्स जे सिंबल आर डिफाइंड एज द सम ओवर द प्रोडक्ट ऑफ फोर बिगिनर थ्री जे सिंबल्स। सो बिगिनर थ्री जे सिंबल्स बेटा जो हमारे पास दे रखे हैं J1 एंड J2 एंड J3 के कॉरेस्पॉन्डिंग, उनके अगर फोर बिगिनर सिंबल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन को इवॉल्व किया जाता है। मतलब सिक्स जे सिंबल को अगर डिफाइन करना हो, इट कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बिगिनर थ्री जे सिंबल्स विच इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर कंपोनेंट्स। ठीक है, J1, J2, J3, J1, J5, J6, J4, J2, J6 एंड J4, J5 एंड J3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास रिजल्ट आएगा। तो जब माइनस साइन आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको नोट डाउन करना पड़ेगा किसमें माइनस है किसमें नहीं है। ये बेटा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये रिग्रेस मैथमेटिक्स है, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जितना रिक्वायर होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही हम लिखेंगे। इन टर्म्स ऑफ राका कोएफिशिएंट्स हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं जैसे हमने पहले लिखा हुआ है। उसके बाद हम आएंगे बेटा यर्सिस डायग्राम पे। यर्सिस डायग्राम का हमारे पास जो कंसेप्ट है वो इसके रिगार्डिंग आएगा। J1, J2 को किसको बनाएगा बेटा, J1, J2 कॉरेस्पॉन्ड करेगा आपके पास J3 के कॉरेस्पॉन्डिंग। सो J1, J2 एंड J3 दीज आर द इनर कंपोनेंट्स, J4, J5 एंड J6 जो है वो आउटर कॉलम को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, आउटर ट्राइंगल को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, जिसको हम यर्सिस डायग्राम भी बोलते हैं या फिर आप किसको बोल सकते हैं यर्सिस नेटवर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग भी आप किसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा आपके पास आ जाएंगे हमारे पास ये वाली दे रखी है, ये पहले भी हमने बना रखी है J1, J2 और J3, मैंने बार बार रिपीट कर रखा है बिकॉज आपको बार बार नॉलेज देनी पड़ती है इसके बारे में। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास 9 जे सिंबल्स आते हैं, जो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दिस स्टफ, 6 जे सिंबल के आगे 9 जे सिंबल आता है।
इसको अगर हम थ्री एंगल मोमेंटा को कपल करते हैं तो हमारे पास थ्री सिक्स जे सिंपल की बात होती है, लेकिन अगर हम नाइन जे सिंपल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास फोर एंगल मोमेंटा होने चाहिए जिसको हम कपल करेंगे। सो जे वन जे टू जे थ्री एंड जे फोर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास रिजल्ट रहेगा। सो अगर हम दोनों को चाहे फोर एंगल मोमेंटा को कपल करने की बात कर रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नाइन जे सिंपल आएंगे। तो सीधी सीधी बात, लेकिन इसमें एक चीज और चीज एग्जाम्पल रही मैं बता सकता हूँ। अगर आपके पास सपोज करिए दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं तो उसके में क्या रहेगा, आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी रहेगा, उसमें आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी रहेगा। हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एज वेल एज स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो गया, एल वन एंड एस वन, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो गया बेटा, L2 and S2 हो गया। अगर आप सभी को कपल करने की बात करेंगे, L plus S कपलिंग की बात करेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास चार एंगुलर मोमेंटा हो जाएंगे जिसको आपको कपल करना पड़ेगा। सो दिस इज जस्ट एग्जांपलरी केस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स हैविंग स्पिन एज वेल एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी कपल्ड। ठीक है बेटा, सो J1, J2, J3 एंड J4 को हम कपल करेंगे। दीज आर वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम्स इन न्यूक्लियर फिजिक्स। अभी हम सिर्फ टू बॉडी इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, टू बॉडी इंटरेक्शन मतलब टू इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्ट करके उनका एंगुलर मोमेंटा कपल हो रहा है। अगर हमारे पास काफी सारा अगर बात करें कि अगर हमारे पास काफी सारे न्यूक्लियस है, जैसे 10 प्रोटोन हो गए, उनका एंगुलर मोमेंटम भी कपल करना पड़ेगा। अगर ओवरऑल न्यूक्लियस की बात करेंगे, अगर आपके पास 50 न्यूक्लियर है तो सबका एंगुलर मोमेंटम कपल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जो मैट्रिक्स एलिमेंट्स है या उनके जो एंगुलर मोमेंटम कपलिंग वेक्टर्स है या कोएफिशिएंट्स है वो काफी ज्यादा लैबोरेटेड हो जाएंगे। वहां पे आपके पास क्या करना पड़ेगा, आपको सिमुलेशन रन करनी पड़ेगी या फिर आपको न्यूमेरिकल कोड डिजाइन करना पड़ता है। तो इसीलिए न्यूक्लियर फिजिक्स में हमेशा ही कंप्यूटराइज्ड टेक्निक्स का काफी यूज रहता है। कंप्यूटेशनल फिजिक्स जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स में काफी ज्यादा काम आती है। ठीक है, सो ये वाला फंडा इसीलिए लिखा जाता है। So in many applications we need to transform between two coupling schemes involving four angular momenta. This occurs example in the transformation from JJ coupling to LS coupling for two particles possessing both orbital as well as spin angular momentum. So सीधी सीधी बात हम कर सकते हैं इसमें कि आपके पास अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके पास ऑर्बिटल एज वेल एज स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, तो अगर आपके पास चेक करना चाहते हैं कि आपके पास जेजे कपलिंग स्कीम वैलिड है यहाँ पे या फिर एल एस कपलिंग स्कीम है, तो दोनों को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम थिंग। इसी वजह से आपके पास क्या आएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम तो कैपिटल जे ही बनेगा, लेकिन आपके पास दो तरह की कपलिंग स्कीम हो गई, यू हैव जेजे कपलिंग स्कीम एज वेल एज LS coupling scheme। पहले 6J सिंपल में corresponding क्या था बेटा, जब हम 3 angular momenta को कपल कर रहे थे वहां पे कौन सा था, you are having 1-2 scheme और 2-3 scheme। यहाँ पे हमारे पास LS और JJ coupling scheme के आपस में interaction है, वहां पे आपके पास जो coefficient आएंगे उसके corresponding 9J symbol बनेगा। So अब किस में, JJ coupling scheme में क्या रहता है बेटा, individual angular momenta of the nucleons, मतलब अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है या न्यूक्लियर है, उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या फिर उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, उन दोनों को साइमल्टेनियसली कपल करके हम उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम बनाएंगे, दैट विल बी जे वन। दूसरे पार्टिकल के लिए, दूसरे न्यूक्लियन के लिए जे टू करेंगे हम, एल टू प्लस एस टू करेंगे। दोनों के जो जे वन एंड जे टू है, दोनों का टोटल एंगुलर मोमेंटम है, अल्टीमेटली हम दोनों को कपल करने की बात करेंगे। टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर दिस केस विट विल टर्न आउट टू बी जे इज इक्वल टू जे वन प्लस जे टू के रिगार्डिंग रहेगा। ठीक है बेटा, अल्टरनेटली इन LS कपलिंग स्कीम, LS कपलिंग स्कीम में क्या रहेगा बेटा, LS कपलिंग स्कीम में दोनों का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सेपरेटली कपल किया जाएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो सेपरेटली कपल किया जाएगा, और उसके बाद टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा दैट विल बी L प्लस S के रिगार्डिंग आएगा। ठीक है जी, सो ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन दीज टू कपलिंग स्कीम इज रिलेटेड बाय द 9J सिंबल्स। सो JJ एंड LS कपलिंग स्कीम both will be related by a unitary transformation or 9J symbols introduced by Wigner by using the following equation। तो उन्होंने simple इसको couple करने की equation दे रखी थी। ये काफी ज़्यादा important question है बेटा। इसके regarding आपको paper में आएगा ही आएगा। 90% chances होते हैं कि LS coupling scheme या JJ coupling scheme के ऊपर आपको numerical या इसके regarding theoretical कुछ 9J symbol के regarding आपको पूछा जाता है। So L1 S1 के corresponding क्या है बेटा, J1, L2 S2 के corresponding J2, and to J1 and J2 को couple करेंगे तो total angular momentum बनेगा और उसका Z component बन जाएगा, magnetic order number। ठीक है जी, और दूसरे जहां पे LS coupling scheme है, LS coupling scheme में क्या बनेगा बेटा, L1 L2 बनेगा, L1 L2 couple होके capital L बनाएगा और S1 S2 couple होके capital S बनाएगा, उसके corresponding J and M आ जाएगा आपके पास,
उसके रिगार्डिंग क्या हो गया बेटा, अल्टीमेटली जो ये आपके कपलिंग कोएफिशिएंट्स हो गए बेटा, ये आपके कपलिंग कोएफिशिएंट्स कहां से आएंगे, इसको आपके जातु स्क्वायर ब्रेसेस में गए, वहां पे लिखा होता है जी1, अगर स्क्वायर ब्रेसेस में लिखा है एसएच तो हम इसको क्या लिखते हैं 2j + 1 स्क्वायर रेज टू पावर 1 / 2, यहां पे 2j + 2j 2 + 1 2l + 1 एंड 2s + 1 के कॉरेस्पोंडिंग आएगा। यहां पे ध्यान रखिए बेटा ये कोएफिशिएंट बन रहे हैं l1 s1 कपल करके j1 बनाएगा, L2 S2 कपल करके J2 बनाएगा, L1 S2 by L2 corresponding L बनाएगा, S1 S2 कपल करके capital S बनाएगा, and J1 J2 कपल करके capital J बनाएगा। So these are the 9J symbols, मतलब यहाँ पे आपके पास 9 angle momentums evolve होंगे। यहाँ पे L1 है, S1 है, J1 है, first column में, first row में 3 हो गए, second में भी 3 हो गए, last वाली row में भी 3 हो गए, तो total 9J symbols, total 9 angle momentum states will be involved here. And it is independent of the total magnetic quantum number. 9J symbols can be written as the sum over product of all 6J symbols by expressing Brahe vector in 63 in terms of the capital notations. So, इसको हम represent भी कर सकते हैं various schemes की form में. So, 9J symbol है, उसको हम various forms में represent कर सकते हैं. ठीक है जी? ये 3J symbol है बेटा. 3J symbol, sorry, 6J symbol है, 6J symbol की form में भी आप इसको लिख सकते हैं. So that is the requirement, जैसे आपकी मर्जी है, देख सकते हैं इसको, general case बना रखा है. ठीक है, even permutation of the rows or columns, अगर आप इसमें क्या है बेटा, अगर आप इसकी even permutation करेंगे, मतलब simultaneously दो rows या दो column आप interchange करेंगे, तो आपके पास साइन चेंज नहीं होगा। अगर आपके पास इसमें क्या रहेगा, एक इसे सिंगल रो या सिंगल कॉलम आप इंटरचेंज करेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास रिजल्ट जो है आपके पास साइन चेंज कर देगा, मतलब जो सिंबल है वो नेगेटिव साइन देगा। सो दीज आर नॉट ब्रैकेट्स, ये आपके पास मैट्रिसेस नहीं है, ये आपके पास सिंबल है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, मैट्रिसेस नहीं है ये आपके पास सिंबल की फॉर्म है। तो आप इसको 9J सिंबल सेटिस्फाई दी ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन, अगर ये वाला J प्राइम है, ये वाला भी J प्राइम है, ये सिंपल J दे रखा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग J एट J प्राइम, J एंड J प्राइम के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास रिजल्ट बनेगा। दीज आर 9J सिंबल्स, J1 J3 कपल करके J13 बनाएगा, J2 एंड J4 कपल करके J24 बनाएगा, J12 एंड J34 कपल करके कैपिटल J बना देगा। ठीक है, तो ऐसे ही सिंपल है, तो ये आपके पास आप इसको लिख सकते हैं सिंपल सिंपल फॉर्म में। पहले तो हमने एलएच कपलिंग की बात की, अब हमारे पास अगर फोर एंगल मोमेंटम को कपल करने की बात कर रहे हैं, पहले हमारे पास थ्री होते थे, यहाँ पे हमारे पास फोर एंगल मोमेंटम स्टेट्स है, 1 एंड 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 2, 3 एंड 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 4, अल्टीमेटली दोनों को कपल कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। तो ये आपके पास कपलिंग स्कीम्स है 9J सिंबल के कॉरेस्पॉन्डिंग। सम रूल भी आपके पास अवेलेबल होगा बेटा, अगर आप इसको सम करना चाहते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको रिजल्ट को बना सकते हैं। सो वेरियस रूल्स आर अवेलेबल, लेकिन सारे करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ रेलिवेंट पोर्शन ही लिखा है, बाकी सारे पार्ट स्किप कर दिए मोस्टली। व्हेन वन ऑफ द आर्गुमेंट्स इज जीरो, वी कैन यूज द सिमेट्री रिलेशंस एंड फॉलोइंग सम रूल्स विल बी देयर। अगर आपके पास ये वाला आर्गुमेंट जीरो हो गया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको 6J सिंबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये आपके पास ऑन द स्क्रीन अवेलेबल है बेटा। 9J सिंबल को आप यर्सिस डायग्राम पे ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, सो 1 2 एंड 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपके वर्सेस हो जाते हैं बेटा, जो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे बाइफ्रिकेशन होगी, अगर नेगेटिव है तो इम्प्लीमेंटेशन होगी बेटा, अगर नेगेटिव है तो उसके पास कन्वर्जेंस होगी, अगर पॉजिटिव है तो डाइवर्जेंस होगी, ये चीज याद रखिए बेटा। ठीक है, तो ये आपके पास सारे के सारे फंडे दे रखे हैं। तो ये आपके पास 9J सिंबल थे बेटा, जिसके रिगार्डिंग हमने काम करना था। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था बेटा, ये आपके हो जाते हैं इसके रिगार्डिंग सीजी कोएफिशिएंट्स एंड राका कोएफिशिएंट्स, 3J सिंबल्स, 6J सिंबल एंड 9J सिंबल का जो टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर भेजा था बेटा, अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए। जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर भेजा था उसमें आपके पास एक न्यूमेरिकल था जो मैंने आपको पहले ही सॉल्व करके भेज दिया है। अगर कोई आपके पास सेपरेट कोई क्वेश्चन पेपर है तो मुझे आप भेज दीजिए, मैं उसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस है मैं आपको करके भेज दूंगा। ठीक है, तो ये चीजें आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको कॉपरेट करना पड़ेगा, बिकॉज एमएससी है तो आपको खुद भी एफर्ट करने पड़ेंगे इसके रिगार्डिंग, टीचर सारी मेहनत खुद नहीं कर सकता बिकॉज आपका माइंड इसमें ज्यादा चलेगा। ठीक है जी, सो आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है न्यूक्लियर फिजिक्स का, 1 है, एक सिंगल पेपर है या 2 है या 3 है, जितने भी पड़े हुए मुझे आप एक बार भेज दीजिए ग्रुप में, तो मैं आपको काफी सारे सॉल्व करके दे दूंगा, खासकर सीजी कोएफिशिएंट या फिर आपका राका कोएफिशिएंट के रिगार्डिंग मोस्टली आपको बेटा क्या आता है, राका कोएफिशिएंट के रिगार्डिंग आपको न्यूमेरिकल कम आते हैं या मोस्टली आपको प्रॉपर्टीज पूछी जाती है,
या फिर आपको 6 या सिंपल या 9 सिंपल के रिगार्डिंग आपको प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं। मोस्टली क्या होता है, आपको एक 6 या सिंपल दे दिया जाता है, उसमें क्या बोलते हैं कि आपको ये वाला सिंपल 0 हो गया तो क्या आंसर क्या होगा, अगर मैं इसको परमुटेशन को चेंज कर दूंगा तो क्या आंसर आएगा। तो मोस्टली ऐसे सिंपल आपके पास आते हैं, तो मोस्टली ऐसी ऐसी चीजें आएंगी। या फिर आपको सीजी कॉफिशियंट आपको फाइंड आउट करना आएगा। सीजी कॉफिशियंट का कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, सीजी कॉफिशियंट आपको एक फिजिकल फीलिंग होती है जिसमें आप फाइंड आउट करके दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैंने कोई भी न्यूमेरिकल सोल्यूशन नहीं किया था, मैंने कोई भी इसमें फॉर्मूला नहीं लगाया था, इम्प्लीमेंट नहीं किया था, मैंने एज सच ही आपको बाय हैंड सॉल्व करके दे दिया था, इसका रिजल्ट ऐसे बनेगा। सो जरूरी तो नहीं है कि हर बार आप फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करें, काफी लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स करें, आपको एक सिंपल सी टेक्निक यूज करके आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 1/j=j1=2 एंड j2=1/2 के लिए मैंने आपको रिजल्ट बना के दिए थे। सिमिलरली j2 j1=1 एंड j2=1/2 के लिए आप सॉल्व करके दे सकते हैं। तो सिंपल क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे कंसेप्ट आपने बार बार डिस्कस किए होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। ठीक है बेटा, सो एनी डाउट्स एनी क्वेश्चन, बिकॉज आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा था, इसके बाद मैंने शैल मॉडल ही स्टार्ट करना है। शैल मॉडल स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक चीज और बताई थी बेटा, कि आपने SC वर्मा के सारे लेक्चर सीरीज देखने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मॉड्यूल 01 से लेक्चर नंबर 17 18 19 20 21 एंड 22, सारे के सारे 6 लेक्चर है बेटा, उसमें वो आपने रीड करना है, देखना है। वो आपको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन देगा, सारे की सारी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन वो सरफेस स्क्रैचिंग जरूर कर देगा जितना हमारे पास मटेरियल चाहिए होता है। वहां पे हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया बेटा, उसके बाद वुड सेक्शन पोटेंशियल हो गया, या फिर आपके पास इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल हो गया, इसके रिगार्डिंग वो अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देता है। या फिर आपके पास मैजिक नंबर है, मैजिक नंबर को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रखा है, वो बुक्स में आपको इतनी नॉलेज नहीं मिलेगी। तो न्यूक्लियर फिजिक्स का सब्जेक्ट बेटा ऐसा है, वहां पे आपको अदर देन बुक्स भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, बुक्स में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं रहेगी, एक बुक में मटेरियल नहीं मिलेगा, आपको टीचर की डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये नहीं है कि आप बुक से पढ़ के इसका काम चला लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। सो आपको इसलिए हैंड रिटन नोट्स भी दे रखे हैं ग्रुप में, उसके बाद भी आपको जरूरत पड़ेगी जहां पे मेरी गाइडेंस की जरूरत होगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये वाली बुक से या ये वाला लिटरेचर है या एक छोटा सा टॉपिक इस वाली बुक से उठाना है हमने, तो ऐसे ही हम बात करते रहेंगे। तो अपने चीजों को अप टू डेट रखिए, आपके ग्रुप में नोट्स आते रहेंगे, गूगल क्लासरूम को रेगुलरली विजिट कीजिए, वहां पे आपको सारे की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। सो आई होप जैसा भी आपका बेटा वाइज आपका एक्सपीरियंस रहेगा, मुझे आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, अगर आपको ठीक लगता है तो हम इस पे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम इस पे कंटिन्यू नहीं करेंगे, अगर वाइज आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा। सो दैट इज योर फैसिलिटी, इट इज फॉर यू। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करके YouTube पे डाल दूंगा, जैसा भी आपका रहेगा, सो यू कैन विजिट एनी टाइम एनी वेयर। ठीक है बेटा, सो थैंक यू।